आशना म्यूजिकल थंडर की ओर से एक बार फिर मनोहर सोनी और बैक ऑफ द स्टेज मधु सोनी का सादर नमस्कार है। आज एक बार फिर रविवार है और आज हम अपना गीत सदाबहार हर रविवार का 19वां एपिसोड लेके आप सबके सामने उपस्थित हो रहे हैं। दोस्तों, दीपावली आप सबकी बहुत मंगलमय बीती होगी ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी को महालक्ष्मी, महा सरस्वती, श्री गणेश भगवान का आशीर्वाद मिला होगा ऐसा भी मुझे विश्वास है। तो आइए, दीपावली के 6 दिन बाद छठ का त्योहार मनाया जाता है, जो पहले बिहार में सबसे ज्यादा मनाया जाता था, अब ना सिर्फ बिहार में, पूरे देश में और बल्कि विदेशों में भी इस त्योहार का प्रचलन बढ़ता जा रहा है और काफी लोग इस त्योहार को मना रहे हैं और आस्था के साथ, विश्वास के साथ इस दिन भगवान सूर्य का किसी नदी, तालाब अथवा ऐसे ही जलधारा के सामने आधे जल में खड़े होकर अर्घ देने का एक रिवाज है इस त्योहार में। और भी बहुत सारी खूबियां इस त्योहार की। आमतौर पे ये त्योहार बच्चों के लिए, संतान प्राप्ति के लिए और संतान की कुशल भविष्य के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं, माताएं व्रत रखती हैं और बड़े धूमधाम से एक दिन पहले पूर्व संध्या और उसके बाद सुबह सूर्योदय के समय अर्घ दे करके इस त्योहार को पूर्ण किया जाता है। बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, पकवान, प्रसाद, फल फूल और व्रत रहने के बाद, अर्घ देने के बाद महिलाएं इस त्योहार को पूर्ण करती हैं, इस पर्व को पूर्ण करती हैं और फिर प्रसाद लेती हैं। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में असुरों के हाथों जब देवता हार गए तो माता अदिति ने एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य मंदिर में छठी माता का को मनाने के लिए व्रत किया कि एक तेजस्वी पुत्र चाहिए। और तब प्रसन्न होकर छठी माता ने सर्व गुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का अदिति मां अदिति को आशीर्वाद दिया और अदिति के पुत्र हुए त्रिदेव रूप में आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों का संहार किया और विजय दिलाई। तो ये तो पौराणिक कथा है जो इस त्योहार से जुड़ी हुई है। उसके बाद बहुत सारी चीजें इनमें जुड़ती गई। भगवान सूर्य की बहन कही जाती है छठी मैया और बहुत सारा विश्लेषण तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है। बस मेरी आस्था सिर्फ इतनी है कि इस दिन छठी मैया की पूजा होती है, लोग अर्घ देते हैं, भगवान भास्कर सूर्य को सभी लोग पूजते हैं और इसी आस्था के साथ हम ज्यादा डिटेल में बात ना करते हुए, क्योंकि डिटेल सबको पता है, बहुत सारे लोगों को जानकारी है और हम सिर्फ और सिर्फ सूर्य देव की कुछ उपासना भजन के साथ उपस्थित हुए और साथ में छठी मैया के कुछ गीत लेके आपके सामने हाजिर हुए। तो पहला गीत जिसमें पैशन की बहुत ही शानदार कलाकारा सरोज विनोदिया जी और उनके साथ पैशन की डायरेक्टर मधु सोनी है, उगा हो सूरजदेव। हालांकि सारे गीत जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ये गीत बिहार के काफी बड़े बड़े और देश के काफी बड़े बड़े कलाकारों ने गाया है, जिन गीतों का अनुसरण हम कर रहे हैं। ये मूलतः गीत उन्हीं गीतों का प्रतिरूप है जो हमारे कलाकारों ने गाया है और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उगा हो सूरज देव इस गीत को लेकर आ रही सरोज विनोदिया जी और उनका साथ इस गीत में दे रही पैशन के डायरेक्टर मधु सोनी। Thank you.
षष्ठी को मनाया जाने वाला ये विशेष त्योहार सूर्य उषा प्रकृति जलवायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित होता है। सभी जानते हैं छठी मैया दिन उसने डाला सर पे लेके महिलाएं और बड़े धूमधाम से नदी के तट पर पहुंचती है। चूंकि मैं बनारस का हूं और बिहार से बहुत सटा हुआ बनारस है तो बनारस के गंगा घाट में भी इसकी बड़ी धूम होती है। बहुत शानदार तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है। एक छठी मैया का बहुत ही प्यारा सा प्रचलित गीत है, काच ही बास की बहगिया, और इस गीत को बहुत सारे कलाकारों ने गाया है और पैशन से आज इस गीत को पूर्णिमा भाभी मतलब पूर्णिमा अग्रवाल जी आपको सुनाने वाली है। आशा आपको पसंद आएगा और छठी मैया को प्रणाम करते हुए गीत आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। छठ मैया के जाए।
अभी आप सुन रहे थे पूर्णिमा अग्रवाल जी की आवाज में कांच ही बांस की बहगिया। और इस गीत के बाद अगला गीत एक और भी प्रचलित गीत के ऊपर मैंने कुछ शब्दों का हेर फेर करके माता छठी को समर्पित किया इस गीत को। तो आइए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं मैं स्वयं आकर के, ओ माता छठी वर दे। इस खूबसूरत से गीत को अगर आपको पसंद आए तो वही कहूंगा हमेशा की तरह, अपना आशीर्वाद कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा।
सब पहली यू कृपा बरसे उजियारे से तेरे हर मन हर दम दम के उजियारे से तेरे हर मन हर दम दम के कर दे पूरा सपना मधुर भूले न कभी छठ मैया तेरा नाम जपना मधुर भूले न कभी छठ मैया तेरा नाम जपना ओ माता छठी वर दे रख ले लाज मेरी आए है मैया दर पे तेरे रख ले लाज मेरी आए है मैया दर पे तेरे आए है मैया दर पे तेरे। दोस्तों अभी रिसेंटली पैशन को ज्वाइन करने वाली बहुत ही प्यारी सी कलाकारा है रिया, जिनका भोजपुरी भाषा से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें थोड़ा प्रोत्साहित किया कि रिया आप गा सकते हो भोजपुरी भी, और उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत छठी मैया को समर्पित किया है मेरे साथ, जिसे मूलतः ऐश्वर्या निगम, रंजन जी और दीपाली सहाय जी ने गाया है, और पिछले साल ये गीत रिलीज हुआ था और बहुत फेमस हुआ, और उसी गीत का अनुसरण हम उसी गीत तर्ज पे वही गीत आपको सुना रहे हैं लेकिन अपनी आवाज में। और ये गीत है ठकी सिनुरवा हमार, एक प्रयास किया है, कितना सफल हुआ है आप सब बताएंगे।
सहाय जी का ये मूलतः गीत है और इसी गीत को सुनकर हमने आपको सुनाया है ये गीत। और कबहू न छूटे छठी मैया हमनी से व्रत त्योहार, कभी भी माँ छठी आपसे हमारा व्रत ना छूटे, इसी भावनाओं के साथ एक और गीत लेके आप सबके सामने आ रहे हैं। पैशन की बहुत ही कुशल और सबसे पुरानी गायिका पूर्णिमा अग्रवाल जी, तो आइए सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत माँ छठी को मैया को समर्पित करते हुए।
सरोज दीदी हमारी एक ऐसी कलाकार है जो ये अभी उन्होंने पीछे में त्योहारों के ऊपर कुछ प्रोग्राम प्रस्तुत किए थे और निरंतर ये इस तरीके का प्रयास करती रहती कि सभी लोग साथ जुड़े और आप लोगों तक कुछ अच्छे कार्यक्रम पहुंच सके। एक और गीत उन्होंने माता छठी मैया को समर्पित किया है, तो आइए सरोज दीदी की आवाज में एक और गीत सुनते हैं।
अभी आप सरोज दीदी की आवाज में छठी मैया का ये बहुत ही प्यारा सा गीत सुन रहे थे। और अगला और अंतिम गीत हमारा जो आज के कार्यक्रम का है वो फिर एक बार उगा हे सूरज देव ही है, जिसे इस बार सरोज दीदी ने नहीं बल्कि पूर्णिमा अग्रवाल जी ने गाया है और मुझे आशा है कि आप सबको बहुत पसंद आने वाला है।
भी आप सुन रहे थे हमारे कार्यक्रम, देख रहे थे हमारे कार्यक्रम जो छठी मैया को समर्पित था, और मैं जो भी लोग छठी मैया में अपनी आस्था रखते हैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। वो इतना कठिन व्रत कर पाते हैं, माँ उन्हें बहुत शक्ति दे, उनकी जो भी मनोकामना है वो पूरी करे, और उनकी ही नहीं सबकी मनोकामना माँ छठी पूरी करे। और इसी आस्था विश्वास और आस्था के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, लेकिन विदा लेने के पूर्व आपको कुछ सूचनाएं दे दूं। इसी हफ्ते 12 तारीख को हम एक बहुत ही शानदार सा कार्यक्रम जबलपुर में कला वीथिका में करने वाले हैं, जो पैशन का दूसरा लाइव ऑर्केस्ट्रा शो होगा। और इस शो में शहर के बहुत ही शानदार संगीत कलाकार म्यूजिशियंस हमारे साथ हमारा साथ देंगे, और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अगर आप जबलपुर में हैं और 12 तारीख को फ्री हैं या फ्री हो सकते हैं तो शाम 6 बजे कला वीथिका अवश्य पहुंचे, क्योंकि हमारा प्रयास आप सबको एक अच्छा सुंदर स्वस्थ और प्यारा सा संगीत देने का है। जो हमारे तमाम कलाकार जो हमारे साथ गाते हैं वो आपको सुनाने वाले हैं बहुत ही शानदार गीत। और उसके बाद 14 नवंबर को हम बाल दिवस के अवसर पर एक बच्चों का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके घर में यदि कोई टैलेंटेड बच्चे हैं, गीत गाते हैं, डांस करते हैं, या कोई और टैलेंट है जो आप चाहते हैं पब्लिकली सामने आए, तो आप उनको हमारे यहाँ स्टूडियो ला सकते हैं या उन्हें हमें हमारे उनको हमारे बारे में बता सकते हैं। तो ये थी हमारी सूचनाएं, और 12 तारीख को आप सभी कला वीथिका में पधारें ऐसी कामना के साथ। छठी मैया को प्रणाम करते हुए बैक ऑफ द स्टेज मधु सोनी, मैं मनोहर सोनी आप सभी से विदा लेता हूँ। जय माता छठी। छठी मैया दिहलो असिसिया, चहके अंगना दुआ, चहके अंगना दुआ।